For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. बॉलीवुड में जहां इन दिनों एक के बाद एक फिल्मों का मेला लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी भी फिल्में बन रही हैं जो आगे चलकर इन एक्टर्स के करियर के लिए माइलस्टोन साबित होंगी। जी हां, बात हो रही है सलमान खान और अजय देवगन की। वैसे तो इन दोनों एक्टर्स की झोली में इस वक्त कई सारी फिल्में हैं, लेकिन इनमें से जहां एक तरफ सलमान खान की अपकमिंग वेंचर भरत को लेकर क्रिटिक्स को काफी उम्मीदें हैं, वहीं दूसरी ओर अजय देवगन की हिस्टोरिकल वेंचर तानाजी द अनसंग वॉरियर को भी उनकी करियर की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा है। बताते चलें, जहां एक तरफ भरत से एक बार फिर सलमान खान और अली अब्बास जफर की एक्टर डायरेक्टर डुओ वापसी करने जा रही है, वहीं दूसरी ओर अजय देवगन की तानाजी द अनसंग वॉरियर, जो कि तानाजी मलुसरे की जिंदगी पर बेस्ड एक हिस्टोरिक वेंचर होगी, उसे लेकर भी दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स तक हर किसी को काफी उम्मीदें हैं। राजकुमार हिरानी की संजू बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जहां हर कोई इस बायोपिक में रणबीर कपूर और विकी कौशल की एक्टिंग की तारीफ कर रहा है, वहीं दूसरी ओर राजकुमार हिरानी के निर्देशन की भी काफी तारीफें हो रही हैं। लेकिन जिस संजय दत्त की ये कहानी है, जिन पर ये फिल्म आधारित है, आखिर उन्हें इस बायोपिक से क्या मिला? तो बता दें, संजय दत्त की टीम ने संजू के लिए 9 से 10 करोड़ की भारी भरकम रकम चार्ज किया है। जी हाँ, सिर्फ यही नहीं, संजय दत्त को संजू की एक प्रॉफिट परसेंटेज भी मिलने वाली है। साथ में ये भी बताते चले, इस बायोपिक संजय दत्त की जिंदगी के कुछ पहलुओं को ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि उनके कुछ एक्स गर्लफ्रेंड्स, जिनकी अब शादी हो चुकी है, उनकी जिंदगी में इस बायोपिक की वजह से कोई प्रॉब्लम्स ना आए।